जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडिया के रैंक देखने वाले हैं अलग अलग इंडेक्स में, और ये 2018 का अपडेटेड वर्जन है। ये जो वीडियो है ये आपको यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, जैसे यूपीपीएससी आने वाली है, उसी के साथ साथ जो बैंक की एग्जाम होती है उसके लिए और जो रेलवेज की एग्जाम होती है, ये सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो रैंक होती है ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो 2 या 3 क्वेश्चन जो रैंक पर आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। शुरू करते हैं। अब देखिए, कोई भी जब इंडेक्स के बारे में पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो यही पूछा जाता है कि जो इंडेक्स है उसका नाम, उसी के साथ इंडेक्स रिलीज कौन करता है, और उसमें इंडिया का रैंक कितना है, और जो फर्स्ट कंट्री है वो कौन सी है, और जो लास्ट कंट्री है वो कौन सी है। इसके बाहर आपको इंडेक्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर किया है, तो जितने ज़्यादा इंडेक्स हो सकते हैं वो सब मैंने इसमें कवर किए हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इंडेक्स के बाहर आपको, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी में से आएंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर इंडेक्स पे पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला आता है कॉमनवेल्थ इनोवेटिव इंडेक्स। अब यहाँ पर देखिए, इनोवेटिव इंडेक्स है, यहाँ पर हम इसके डीप में नहीं जाएंगे कि ये किसके बारे में होता है, क्या होता है, क्योंकि नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि इससे रिलेटेड होगा। अब ये जो इंडेक्स है ये रिलीज कौन करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये रिलीज करते हैं। और जो इंडिया का रैंक है वो कितना है, तो इंडिया का रैंक इसमें 10th हमें देखने को मिलता है, और फर्स्ट कंट्री कौन सी है, तो UK हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इंडिया का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर भी इंडिया का रैंक बहुत पहले है, या फिर इंडिया का रैंक बहुत पीछे है, या फिर इंडिया ने बहुत लंबी जंप मारी है, तो ऐसे जो इंडेक्स होते हैं ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। अब यहाँ पर देखिए, 10th रैंक है इंडिया का, तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। फिर आता है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। अब यहाँ पर फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है, कितना फ्रीडम दिया जाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम कितना दिया जाता है। अब यहाँ पर अमेरिकन थिंक टैंक ये रिलीज करते हैं इसे, और इंडिया का अगर रैंक देखोगे तो हमें 130th रैंक हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर फर्स्ट कंट्री जो है जिसका फर्स्ट रैंक है वो हमें हांगकॉन्ग देखने को मिलती है, और जिसका लास्ट है वो नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया जो है वो इस तरीके की कंट्री है जहाँ पर आपको फ्रीडम बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर आपको स्लेवरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो भी वहाँ पर काफ़ी वॉयलेट होती है। इसलिए इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, फ्रीडम हो, किसी भी तरीके का फ्रीडम हो, या फिर डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, या फिर स्लेवरी से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है आपको सबसे पीछे नज़र आएगा। तो इसलिए आपको, अगर आप गेज भी कर रहे हो, कोई इंडेक्स का आपका जवाब पता भी नहीं है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो कौन कौन से इसमें एक एरिया गिरा देना पड़ता है। जैसे अगर हम फिनलैंड, स्वीडन, वो सब एरिया देखते हैं तो वो हैप्पीनेस के इसमें, ये सारे इंडेक्स में काफ़ी ऊपर होता है। तो इसलिए अगर हम तुक्का भी मार रहे हैं तो हमारा तुक्का भी लॉजिकली रहना चाहिए। और जो नॉर्थ कोरिया है वो सारे इसमें कम रहता है, तो उसके बारे में अगर पूछा जाता है, सबसे पीछे अगर कोई कंट्रीज पूछी जाती है तो ये जो नॉर्थ कोरिया है, उसके बाद जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो जैसे सोमालिया हो गई, उसके ये जो कंट्रीज़ है ये काफ़ी पीछे रहती है। तो हम तुक्का भी लगाते हैं तो वो लॉजिकली रहना चाहिए, एरिया वाइज हमें पता होना चाहिए कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर रह सकती है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब एनवायरमेंट में परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। इंडिया का रैंक उसमें 177th है। फर्स्ट कंट्री यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड आती है, और लास्ट कंट्री यहाँ पर बुरुंडी आती है। अब देखिए, अच्छे जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें जो टॉप कंट्रीज़ होती है वो यही हमें देखने को मिलती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, उसके बाद जो फिनलैंड, नॉर्वे, ये जो कंट्रीज़ हो गई, उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया। तो ये सारी जो कंट्रीज़ है ये हमें पता है कि जो अच्छे इंडेक्स है इसमें ये लोग ऊपर ही रहने वाले हैं। तो इस हिसाब से हमें देखना होता है, सिर्फ माइन्यूटली देखना पड़ता है कि कौन सी कंट्रीज़ कौन सी इसमें आगे है, यही सिर्फ हमें याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस। अब यहाँ पर टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस जो है एडिको, इनसेट, टाटा कम्युनिकेशंस रिलीज़ करते हैं। 81st रैंक है इंडिया का, और स्विट्ज़रलैंड यहाँ पर फर्स्ट कंट्री है, और लास्ट कंट्री जो है एल सेल्वेडोर आती है। उसके बाद वेल्दीएस्ट कंट्रीज़ इसमें जो रिलीज़ करता है इसे, वो है न्यू वर्ल्ड वेल्थ, और इंडिया का जो रैंक है वो 6th है, और फर्स्ट जो है वो USA है।
उसका एक ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो रिलीज करते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, ये रिलीज करते हैं, और इसमें इंडिया का जो रैंक है वो हमें 42nd रैंक देखने को मिलता है। फर्स्ट कंट्री जो है वो है नॉर्वे और लास्ट कंट्री जो है वो है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट इस पर चलते हैं, वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब यहाँ पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, करप्शन कितना है ये रिलीज करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 81st रैंक है, और जो फर्स्ट कंट्री है वो न्यूजीलैंड है और लास्ट कंट्री है सोमालिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये जो कंट्रीज़ है स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ तो काफ़ी आते हैं जो अच्छे रैंक में आते हैं। उसके बाद USA भी अच्छे रैंक में आता है, वो UK भी अच्छे रैंक में आता है। उसके बाद जो ऊपर की कंट्रीज़ है जैसे फिनलैंड, स्वीडन, ये जो कंट्रीज़ है ये भी काफ़ी अच्छे रैंक में आती है। और जो अफ्रीकन की कंट्रीज़ है जैसे सोमालिया, ये सारी जो कंट्रीज़ है, नॉर्थ कोरिया, ये सारी काफ़ी पीछे आती है। तो उस तरीके से आपको देखना है और याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसेट और विपो ये रिलीज़ करते हैं। इंडिया का जो रैंक है वो 60th रैंक है यहाँ पर। फर्स्ट स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड कंट्रीज आती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब क्या है कि प्रेस में कितना फ्रीडम दिया जाता है। जो न्यूज़ चैनल हम देख रहे हैं काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं आजकल, न्यूज़ चैनल जो है वही काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं, तो इसलिए उन पर भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि उनको कितनी लिबर्टी देनी चाहिए, भारत में भी काफ़ी उस पर काफ़ी न्यूज़ में वो सारा मैटर जो है वो चल रहा है। अब ये रिलीज़ करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंडिया का जो रैंक है 138th रैंक है, और यहाँ पर टॉप जो करते हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। देखिए तीनों कंट्रीज जो है वो टॉप कर रही है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसे रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और यहाँ पर इंडिया का जो रैंक है वो है 40th। यहाँ पर टॉप जो कर रही है वो है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स। अब यहाँ पर कनेक्टिविटी किस तरीके से है, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, ग्लोबल कनेक्टिविटी यहाँ पर हम देखते हैं। तो कनेक्टिविटी इंडेक्स जो है उसमें हुइज ग्लोबल कनेक्टिविटी ये रिलीज़ करते हैं, 43rd रैंक है इंडिया का। जो टॉप कर रही है वो US, सिंगापुर और स्वीडन। नेक्स्ट आते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पर देखिए जो डेवलपमेंट हो रही है वो कितनी इंक्लूसिवली हो रही है, कितने अच्छे से हो रही है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का जो रैंक है वो है 62, और यहाँ पर लिथुआना ये टॉप करती है। फिर आता है पोल्यूशन रिलेटेड डेथ। अब देखिए जो पोल्यूशन होता है, अब देखिए दिल्ली जो है वो काफ़ी पोल्यूटेड माना जाता है, काफ़ी पोल्यूशन है वहाँ पर। तो पोल्यूशन रिलेटेड डेथ जो है उसके मामले में कौन सी कंट्री जो है वो टॉप कर रही है, अब ये रिलीज़ करते हैं लैंसेट कमीशन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी शॉकिंग है, इंडिया जो है वो फर्स्ट रैंक पर आ रहा है, टॉप कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ LPG। LPG का लार्जेस्ट इंपोर्टर जो है वो इंडिया सेकंड रैंक पर आता है, और यहाँ पर टॉप जो है वो चाइना कर रहा है। अब यहाँ पर TB के जो केसेस होते हैं, TB केसेस, अब यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट रैंक है TB केसेस में भी। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने देख ली जो हेल्थ से रिलेटेड है, पहला है पोल्यूशन का और नेक्स्ट आता है TB केसेस का, दोनों में इंडिया जो है वो टॉप कर रहा है। उसके बाद FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स आता है, वो रिलीज़ करते हैं ग्लोबल कंसल्टेंट AT कैनी। ये जो है इसमें इंडिया का रैंक 11th है, टॉप कर रही है USA और लास्ट है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आते हैं हम इंडियन सोलर मार्केट लीडर बोर्ड। अब सोलर मार्केट लीडर बोर्ड के बारे में आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरकॉम कम्युनिकेशंस जो है ये रिलीज़ करते हैं, और इंडिया का जो रैंक है वो है 3rd, और फर्स्ट रैंक यहाँ पर हमें चाइना का देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम पासपोर्ट इंडेक्स पर। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था और काफ़ी न्यूज़ में रहता है पासपोर्ट इंडेक्स, इसलिए आपको ये भी पता रहना बहुत ज़रूरी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे माल्या जो है और उसके बाद जो नीरव मोदी है उनके जो पासपोर्ट है वो रद्द कर दिए गए थे, इसके बाद भी काफ़ी वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है, ये जो मैटर है काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अल्टन कैपिटल जो है रिलीज़ करते हैं, 75th रैंक है इंडिया का, फर्स्ट आता है सिंगापुर, लास्ट है अफगानिस्तान। फिर नेक्स्ट आते हैं कंट्रीज़ विथ हाईएस्ट NPA, कौन सी कंट्री में बहुत ज़्यादा NPA हमें देखने को मिलता है। NPA मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब यहाँ पर क्या होता है, 90 डेज़ के ऊपर अगर किसी ने किस्त नहीं भरी है अपने लोन की तो वह NPA हो जाता है। अब यहाँ पर NPA जो है, NPA पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि भारत का जो NPA है क्या वो कम हो रहा है, उसकी क्या परिस्थिति है, वो सब मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो वीडियो आप ज़रूर देखिए। कंडीशन ऑफ NPA बाय मयूर मोगरे अगर आप डालोगे तो वो आपको मिल जाएगा, वो केयर रेटिंग्स जो है ये निकालती है। इंडिया का रैंक 5th है और जो फर्स्ट कंट्री है वो है ग्रीस, तो आप देख सकते हो इंडिया कितना ज़्यादा NPA में गया हुआ है।
फिर आता है बेस्ट कंट्रीज फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है, तो फोर्ब्स रिलीज करती है 62nd रैंक है इंडिया का, फर्स्ट है यूके और लास्ट है चाड। अब वर्ल्ड टैलेंट रेटिंग्स, यहाँ पर हम देखते हैं वर्ल्ड टैलेंट रेटिंग्स, ये IMD यहाँ पर रिलीज करती है। इंडिया का जो रैंक है वो है 51st, फर्स्ट आता है स्विट्जरलैंड और वेनेजुएला आता है लास्ट। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में देखते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जर्मन वॉच रिलीज करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो रैंक है वो है 14th, फर्स्ट स्वीडन आता है और लास्ट सऊदी अरेबिया आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें इंडिया ने काफ़ी हाई जंप मारी है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। रिलीज करती है वर्ल्ड बैंक, इंडिया का रैंक 100 है और न्यूजीलैंड जो है वो टॉप कर रहा है, लास्ट है सोमालिया। फिर आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अब इसमें UN सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इसे रिलीज करता है। इंडिया का रैंक है 133rd, लगभग 156 कंट्रीज जो है यहाँ पर रैंक किए जाते हैं, 133rd इंडिया का रैंक है। फर्स्ट जो कंट्री है वो है फिनलैंड और बुरुंदी जो है वो है लास्ट कंट्री। अब इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये WIPO इसे रिलीज करता है, विपो रिलीज करता है और इंडिया का जो रैंक है इसमें 44th रैंक है। फर्स्ट कंट्री जो आती है वो है USA और लास्ट कंट्री आती है वेनेजुएला। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और ये काफ़ी न्यूज़ में रहता ही है इसलिए ये भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को। अब इंडिया का जो रैंक है इसमें 78th रैंक है और फर्स्ट कंट्री जो आती है वो है स्वीडन और लास्ट कंट्री जो आती है वो है जिम्बाब्वे। फिर उसके बाद हेल्थ केयर पे आते हैं, तो हेल्थ केयर इंडेक्स जो है ये रिलीज़ किया जाता है लैंसेट के द्वारा और यहाँ पर इंडिया का जो रैंक है वो आता है 154th, फर्स्ट कंट्री यहाँ पर आती है स्विट्ज़रलैंड। तो आप देखोगे जो अच्छे जो चीज़ें होती है अच्छी चीज़ों में हमें यूरोपियन कंट्रीज़, फिर उसके बाद जो न्यूजीलैंड है वो भी काफ़ी अच्छे इस पर देखने को मिलती है हमें, फिर USA हमें अच्छे से इस पर देखने को मिलता है, उसके बाद जो नॉर्वे है फिनलैंड है ये सारी जो कंट्रीज़ है ये भी काफ़ी हमें अच्छे रैंक पर देखने को मिलती है, स्वीडन हो गया। फिर आता है जेंडर गैप, अब जेंडर गैप जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है और इंडिया का रैंक इसमें हमें 108 देखने को मिलता है, फर्स्ट कंट्री है आइसलैंड। अब ये जो आइसलैंड है ये भी उसी के पास देखने को मिलती है और आइसलैंड भी काफ़ी अच्छे रैंक में हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट रैंक्स है वो सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो और अच्छे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल बटन अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप अच्छे वीडियोस जो है वो मिस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।